सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं, यह तो सदैव चलता रहता है। हमेशा एक नई उम्मीद आपका इंतजार करती है, जरूरत सिर्फ उसको पहचानने की होती है। बीती बातों में खोए रहने से बेहतर है कि आप आज अच्छे काम करें और अपना भविष्य सुधारें। ए जिंदगी, तू खेलती बहुत है खुशियों से, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। आज का पंचांग 24 जून 2022 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 24 जून 2022 दिन शुक्रवार, अभी आप उत्साहित हैं और भौतिक सफलता का मजा ले रहे हैं। स्वस्थ शरीर को अच्छे भोजन और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक नई परियोजना या विचार के लिए आदर्श समय है। अभी आप आत्मविश्वास और समर्थित महसूस कर रहे हैं, तो अब उस योजना का पीछा करें। आज के दिन बातचीत, मैत्री पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। लोगों के कौशल वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपको तोड़ या जोड़ सकते हैं। विश्वास हो सकती है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व और भविष्य को लेकर जागरूक रहें, अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से क्रियान्वित करते चलें। थोड़ी सी सतर्कता रखने से आपकी योजनाएं तथा कार्य सफल रहेंगी। किसी करीबी दोस्त की मदद आपके लिए फायदेमंद भी रहेगी। आपके द्वारा सोचे गए बातों को वास्तविकता का रूप लेने में और वक्त लगने वाला है। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों में बदलाव नजर आ रहा है, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। नौकरी की खोज जिन लोगों को है उन्हें अवसर प्राप्त होगा। पार्टनर अपने मन मुताबिक बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण रिलेशनशिप में चिड़चिड़ापन हो सकता है। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है। सावधानियां, मेहनत के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे। संतान से संबंधित कुछ मुश्किलों में कमी रहने की वजह से मन व्यथित रह सकता है, परंतु इस समय धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालें। ज्यादा गुस्से और तनाव की वजह से समस्या बढ़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्याएं उठा सकती हैं। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आप बेहद उत्साहित हैं। इसके लिए आप अपने लुक या बनावट को बदल सकते हैं। विवाहित ससुराल वालों की तरफ से कष्ट महसूस करेंगे, हालांकि इससे परेशान ना हों। अगर आज आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें। लोगों से मिले जुले व अलग अलग स्थानों पर जाएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है, बस उनसे एक बार बात तो करके देखें। अपने पार्टनर से बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे का हालचाल पूछें या प्यार का इजहार करें, इससे आपका प्यार आसमान को छुएगा। बात करते हैं करियर की। आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं, वह यह गुण आपको सफलता के शीर्ष तक लेके जाएंगे। नए काम या व्यवसाय की शुरुआत आज ना करें। आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, किंतु रवैये और अहंकार के बीच की पतली रेखा को अनदेखा ना करें। पूरी जान लगाकर काम करें। आज के दिन पारिवारिक संपर्क और संचार से जुड़ा हुआ है।
लोगों से काम निकालने की कुशलता अब आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह बहुत काम की चीज है। इस कुशलता को विकसित करने के लिए यह अच्छा समय है, बस अहंकार से बचिए। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु समस्याओं की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन उठ सकता है। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना भी बन रही है। आज का उपाय, आज अब माँ अष्टलक्ष्मी को लाल माला चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।